ओके बेटा, आप यहाँ पे आए थे, हमारे पास एक दांत की फिलिंग थी, एक शायद टेढ़ा पड़ा हुआ था दांत ना, वो हमने, और जो फिलिंग हुई थी उसमें भी आपको पेन थी, कहीं और से करवाया था आपने? हाँ जी मैम, आईजीएमसी से, शिमला से। ओके, तो हमने पहले टेम्परेरी फिलिंग की थी, आज आप परमानेंट फिलिंग के लिए आए हो। तो अभी आपका जब मेरे पास आए थे तो मेन दिक्कत क्या आ रही थी आपको? मेन दिक्कत टूथ की थी, एक जो टेढ़ा था वो आपने निकाल दिया, वो निकालने के लिए काफ़ी टाइम से सब मना कर रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो फाइनली निकल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे उसकी वजह से खाने में, बैड ब्रेथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैम सेकेंड जो मेरा था, मुझे इस टूथ का था, ये उन्होंने कैविटी रिमूव की थी उसके बाद मुझे, पहले इसमें पेन नहीं था, जब से उन्होंने कैविटीज़ रिमूव की उसके बाद से मुझे इसमें बहुत पेन भी रहने लग गया था, मैं इस साइड से खा ही नहीं पा रही थी। तो फिर अब मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई टेम्परेरी फिलिंग से, तो मैं परमानेंट फिलिंग। तो आपको मतलब फ़ायदा हुआ या सरकारी हॉस्पिटल में आने का? मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सच में इतना अच्छा काम होता है, मैं आ ही नहीं रही थी, तभी मैं शिमला चंडीगढ़ के धक्के खा रही थी। अच्छा, पर जब मैंने यहाँ पे एक बारी टूथ निकलवाया, मुझे और भी दो तीन काम है एंड बहुत अच्छा। ओके, और गांव का हॉस्पिटल है ये, आपको पता है कितने दूर हमारा सिचुएटेड है ना, हाईवे से भी 16 किलोमीटर्स दूर है। तो हम आपका फीडबैक ले रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी जनहित जागरूकता रहे कि ये काम यहाँ पे गांव में भी होते हैं। हाँ जी, और बहुत अच्छे से होते हैं। थैंक यू बेटा फॉर योर फीडबैक, हम थोड़ा यूट्यूब पे शेयर करेंगे। और जो आगे वाला दांत था वो भी आपका टेढ़ा जैसा था काफ़ी, हाँ है ना? तो आपको दांत निकालते हुए भी आप थोड़ा पहले काफ़ी थोड़े डर रहे थे, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे? बाद में बहुत अच्छा रहा, मुझे लगा था बहुत पेनफुल होगा, बाद में भी प्रॉब्लम्स आएगी, पर सब कुछ बहुत ही फुली। चलो, नाउ यू आर फाइन विद योर टूथ। ओके, आज हम परमानेंट रेस्टोरेशन कर देंगे आपके, ठीक है? रेट करने को कहूँ मैं आपको, 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगी। ओके, ये तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आप खुद भी शायद लॉयर हो, है ना? हाँ जी डेफिनेटली। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर ऑल्सो, है ना? अच्छा लगता है आप जैसे बच्चे इंस्पायर करते हैं बाकी जनरेशन को भी कि पढ़ लिख के अपना आराम से काम करो। तो ये बच्ची आई थी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, और हम इसके भी आभारी हैं कि ये हमारी सेवा से खुश है। सरकारी तंत्र में अच्छी सेवाएं भी मिल रही हैं, तो लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि आप भी फ़ायदा उठाओ और बाकी 2 बार ब्रशिंग करो। और जैसे ये बच्ची मेहनत कर रही है, शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन चंडीगढ़ शायद, है ना? बट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके।